भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के दरमियान यह मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होगा। मौजूदा सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच जीत कर बराबरी पर हैं। मुंबई में खेला गया पहला मुकाबला भारत ने 5 विकेट से अपने नाम किया। वहीं विशाखापट्टनम हुए दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से शिकस्त दी है। यह मुकाबला मोहम्मद शमी के लिए बेहद खास रहने वाला है। तीसरे वनडे में शमी टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। इसके लिए शमी को सिर्फ 2 विकेट की जरूरत है। जवागल श्रीनाथ वनडे में भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 29 वनडे में 33 विकेट चटकाए हैं। इसी बीच 30 रन देकर 4 विकेट आउट करना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 21 मैचों में 32 विकेट ले चुके हैं। उन्हें जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2 विकेट की दरकार है। अगर शमी तीसरे वनडे में कंगारू टीम के खिलाफ 2 विकेट ले लेते हैं तो वो भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे। वैसे भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे में कपिल देव ने सबसे ज्यादा 45 और अजित अगरकर ने 36 विकेट लिए हैं।